वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल में, सॉफ्ट एंड जूसी। ये इसको मैंने दो बार चॉप कर लिया था मज़ीद, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको वॉश नहीं करना है, ठीक है। पाँच अदद मैंने प्याज ले ली थी, छोटी थी, और एक छोटा लहसुन ले लिया था। पाँच अदद मैंने मिर्ची ले ली थी और अदरक ले ली थी छोटी। फिर इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, प्याज को हमने चॉप कर लेना है। फॉर्म में ये बिल्कुल बारीक हो चुका था। फिर ये मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया, जिसमें मैंने इसका सारा पानी निकालना था। फिर मैंने सारी प्याज को इसमें डाल के अच्छे प्याज को हमने बहुत अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लेना है, ठीक है। प्याज बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, ज़रा सा भी इसका पानी होगा प्याज पानी छोड़ेगा और हमारे सीख कबाब जुड़ेंगे नहीं। जोर लगाएँ, अच्छे से सारा पानी निकालना है। और देन हम जब ये ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल आपको फील होगा कि ड्राइनेस आ गई है इसमें, तो देन हमने इसको निकाल लेना है, ठीक है। करने के बाद हमने कीमे में सारा प्याज डाल देना है, और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है प्याज, अच्छे से निकालना है। जितना पानी अच्छा निकलेगा उतने हमारे सीख कबाब अच्छे बन जाएंगे। हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को उसका अच्छे से हमने पेस्ट बना लेना है, बारीक कर लेना है बिल्कुल, ताकि वो मुँह में ना आए। दिन प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है कीमे में, ताकि कीमे के अच्छे से रेशे खुल जाएँ। एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितना उसे 3 मिनट तक हमने उसको मिक्स किया है, उसके बाद हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया। नमक इसलिए आखिर में मैंने डाला है क्योंकि उसे स्टिकीनेस आ जाएगी, वो कीमा जो हमारा स्टिकी हो जाएगा। 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया, और फिर उसको हमने 1 से 2 मिनट तक हमने इसको मज़ीद मिक्स करना है कि नमक अब्जॉर्ब। छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च की डाली, और फिर मैंने डाला साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, एंड में मैंने साबुत धनिया डाला 1 चम्मच। इनको फिर मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लेना, अच्छे से ब्लेंड कर दिया था 1 चम्मच मैंने। फिर उसके बाद हरी मिर्च की डाली, ठीक है, 1 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने गरम मसाले की डाली। देन मैंने सीख कबाब मसाला डाला, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। और उसके बाद मैंने इसके बाद मैंने 2 लेमन काटे थे, उन 2 लेमन का जूस मैंने इस मसाले में डाल दिया था। चीज़ें डालने के बाद अब मैं मसाले को इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच और ऐड की थी सोडे की, बेकिंग सोडा है ये, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा डालना है, इससे ये है कि हमारे कबाब मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको फ्रिज में रख देना है 1/2 घंटे के लिए। इसको हमने रेस्ट भी नहीं है, दिन में कमरे में चली गई थी, आगे थी लो। ऐसे ही हमने इसको अब नॉर्मल टेम्परेचर में हमें पानी लेना है, ठीक है, ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना, हल्का सा हार्ड डिप करके इसको 1-2 मिनट हमें दोबारा हिलाना है।
देन मैंने अपना मसाला जो है अब मैं सीखों पे लगाने लगी हूँ, तो मेरे पास वो मोटी वाली सीखें नहीं थी कबाब की जो होती हैं, मैंने देन टिक्का वाली जो सीख होती है उसी पे एल्यूमिनियम शीट लगा के मैंने अपना सीख कबाब लगा दिया था। बहुत इजी है, एक तो मैंने लगा के तवे पे रख दिया था। ये बहुत इजी ट्रिक है, आपने फिर हल्की सी स्टीम देनी है तवे पे, ठीक है, 4 to 5 मिनट हमने इसको तवे पे स्टीम देना है। चूल्हा हमने फुल खोलना है ताकि तवे की जो हीट है वो सही प्रॉपर हो जाए। देन आपने इसको इस तरह की स्टीम देनी है। तीनों को मैंने रख दिया था, फिर मैंने इनकी हल्की हल्की साइड चेंज की, मतलब हाफ़ फ्राई हो गए थे ये 4 to 5 मिनट में, ये हाफ़ फ्राई हो जाते हैं, ईजी होता है बहुत। हो गए थे हाफ़ फ्राई, ठीक है। आगे से सेंटर और एंड से हमने इनको प्रेस करना है, देन आराम से हमने इनको निकाल लेना है। बहुत इजी है, मतलब देन मीडियम फ्लेम पे हमने इनको हल्का सा कुक करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीम से वो हो चुके हैं। देन 4 to 5 मिनट हमने इनको ऑयल में कुक करना है। इनकी फाइनल लुक बहुत यमी बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं, जूसी बने हैं, इतने इजी टू कुक हैं ये। आप भी ट्राई करें, और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।